नाम से ज्यादा जो प्यार और इज्जत मिला है वो सबसे ज्यादा, मतलब नाम तो ठीक है वो तो कमाना ही था, बट मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे इतनी इज्जत मिलेगी. लोग बोलेंगे कि यू वर द वन ऑफ द मोस्ट डिग्निफाइड कंटेस्टेंट्स. सो आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट है. और मेरी मम्मी को भी अभी किसी ने, एक दिन मैं आइसक्रीम खाने गई थी, कि आपकी बच्ची बहुत अच्छी है और समझदार बच्ची है. मेरी मम्मी ऐसे हो गई थी, उनका सर ऊंचा हो गया था. तो आई थिंक दैट्स अ ट्रॉफी फॉर मी. वेरी गुड फीलिंग. रही बात उन लोगों के दोनों के नाम की, आई थिंक उनकी वजह से मैं हमेशा से बहुत प्रोटेक्टिव रही हूँ. और वो नाम कितना भी बड़ा नाम हो जाए आरती, उससे पहले उनका ही नाम आएगा और मैं उसमें प्राउड फील करती हूँ. लेकिन मुझे मेरा नाम भी कमाना था, तो साथ में अब वो एक नाम और जुड़ गया है जिसमें लोग मुझे जानते हैं और बहुत अच्छा लगता है. मतलब 10 साल उस चीज़ की भूख रही है तो अच्छा लग रहा है. और आगे और अच्छे काम से और नाम हो. गुड वर्क एंड मैरिज, बस दैट्स इट. हाँ, प्लानिंग का कुछ आता पता नहीं है, अभी देखते हैं. मम्मी, मैंने जैसे घर वालों पे ही छोड़ा हुआ है, तो देखेंगे वो लोग जब देखना होगा. और कभी जिंदगी में टकराना होगा किसी से, तो जैसे बिग बॉस टकरा गया, नाम भी टकरा गया, अब लड़का भी टकरा जाएगा. आई एम सो हैप्पी. मतलब मैं बिग बॉस वालों को खुद बोलती थी, यार मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे ले लो. बिग बॉस वाले मुझे कभी लेते नहीं थे. आई मीन उन्हें मुझे इसी सीजन में लेना था जो सीजन सबसे बड़ा था. तो मेरे को अब ये पता चल गया, जब जो होता है वो अच्छे के लिए होता है. सो सही टाइम पर सही चीज़ हुई है. सो आई एम वेरी हैप्पी. सारे कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं क्योंकि मैंने उनको प्राउड किया है. सो एवरीबडी इज़ वेरी प्राउड ऑफ मी. और रही बात दोस्तों की अंदर, तो दोस्ती नॉर्मल तो सबसे साथ ही रहेगी, पर शिफाली जरी वाले से थोड़ी सी ज़्यादा, बिकॉज मेरी अच्छी दोस्त बन गई है. वो तो ख़त्म हो गया अंदर. बहुत सपोर्ट रहा है सिद्धार्थ का मेरा. उसने मुझे नॉमिनेशन से बचाया और मैं उसके लिए हमेशा लॉयल रही हूँ, उसके साथ खड़ी रही हूँ. तो इट वाज गिव एंड टेक फॉर बोथ ऑफ अस. एंड रही बात मेरा और उसका, तो वो तो मैंने अंदर कश्मीरा को ही बोल दिया था दैट कि नहीं, इट इज़ नॉट हैपनिंग फॉर श्योर. वी आर टू डिफरेंट पीपल एंड वी कैन नॉट बी टुगेदर एंड दैट्स इट. कि कंट्रोवर्सी हुई है कि शायद वोटिंग का ऊपर नीचे था, बायस द चैनल. इट इज़ नॉट पॉसिबल. कलर्स इज वेरी रेप्यूटेड चैनल. उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या हो क्या जीते. वो बहुत ही फेयर तरीके से वो वोटिंग को, वोटिंग जो ऑडिट होता है, इट्स ऑल रॉन्ग. ऐसा हो ही नहीं सकता कि कलर्स ऐसा कुछ करे. इट इज़ ऑल रूमर्स. बहुत सारी यादें बटोरी हैं. मेरी मम्मी का लेटर, बच्चों का घर के अंदर आना, माय गॉड आई थिंक. और फिर करण का मेरे पास आना, कैश का अंदर आना, सपोर्ट करना, आई थिंक ये सारी यादें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी. सो हाँ, इट वॉज अ फैमिली बिग बॉस फॉर मी. हाँ, और मम्मी भी आ गई. पर मम्मी लेने आई ना, मतलब मैं मम्मी को बोलने वाली थी, हाय मम्मी काय को आ गए आप, नहीं मुझे कल मिल लेते, आप क्यों आए अंदर. हाँ डेफिनेटली, वो लोग दोनों ही पागल मस्ती खोर लोग हैं, एंटरटेनर्स हैं. सो आई एम श्योर दे गोना एंटरटेन द ऑडियंस. हाँ, शहनाज और पारस जैसे बिग बॉस में मस्ती की है, वही मस्ती और एंटरटेन करो लोगों को. और जितना बड़ा बिग बॉस शो बना है, आई होप ये शो भी तुम लोगों के लिए उतना ही बड़ा सक्सेस हो. ओके, लास्टली फैन से क्या कहना चाहेंगे, जो इतना प्यार और आगे आने वाले क्या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं आपके? थैंक यू सो मच.
कि आप लोगों ने मेरे लिए वोट किया, इतना प्यार दिया, और आरती जो भी कुछ है वो आप लोगों की वजह से है. सो थैंक यू सो मच.